नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप सबको क्विज दिया था, कोडिंग डिकोडिंग का इस बार आपको क्विज दिया गया था। होपफुली आप सबने सक्सेसफुली उसको कर लिया होगा। यदि नहीं भी कर पाए थे तो भी देखें, और कर लिया था तो भी इस क्वेश्चन को समझें। देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में आजकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरली मेन्स में हमारे को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी बैंक पीओ बैंक क्लर्क के मेन्स में। ऑफेंस को कोड दिया गया 40, डिफेंस को कोड दिया गया 60। एक बार ऑफेंस के हम सारे के सारे लेटर्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेते हैं। वो आता है 15 पे, एफ आता है 6 पर, एफ 6 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, सी 3 पर और एफ 5 पर, और इन सबका टोटल लगा दें। 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और बचे 15, 40, 40 और 14 54। देख लें 5, 11, 17, 22, 26, 29, 34, हासिल का 3, 4, 5, 5 + 6 11, 17, 22, 26, 29, 34, राइट डाउन 4, कैरी 3, 4, 5, ये हो गया 54। और डिफेंस की बात करें तो ऐसे डिफेंस के लिए डी ई भाई, हालांकि कोई विशेष बात नहीं है, पर मैं आपको फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप इसको लिख करके ही करें। 4, 5, 6, 5, 4, 3, 5। अगर मैं इन सबका टोटल लगा दूँ 15, 20, 25, 32, 4 और 5 9, 15, 20, 24, 27, 32, 32 इन सब का टोटल आ रहा है, सॉरी एन 4 कैसे 14, तो फिर 42 इन सब का टोटल आएगा, 42 इन सब का टोटल आ रहा है। अब ये टोटल लगाने के बाद में आपको हमेशा हमेशा ये चेक करना है कि यार मुझे यहाँ पर एक्चुअली क्या दिया। यहाँ मुझे दिया है 40, तो ये मैंने लिख दिया, 50 की जगह 40 दिया और 42 की जगह 16 दिया है, समझे। आप पहला अटेम्प्ट जो करेंगे दोनों में 54 और 40 का डिफरेंस निकाल दें, ये आया 14। इधर से आप 42 और 16 का डिफरेंस निकाल दें, ये आया 26। अब आप इस डिफरेंस के अंदर हमेशा सेकंड स्टेप में डिफरेंस का आधा कर दें। बताएं आप, जैसे आप 14 का आधा होता है 7, 26 का आधा होता है 13। अब मुझे ये कोशिश करनी है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढूं जिनका कि टोटल 7 हो जाए इस वाले में, या फिर जिनका कि टोटल 13 हो जाए। देखें 15 का भी काउंट नहीं होगा क्योंकि 15 अकेला ही 7 से बड़ा है। 6 में 1 जोड़ने पर 7 होता है, 1 है नहीं। 6 में 1 जोड़ने पर 7 होता है, 1 है नहीं। 5 में 2 जोड़ने पर 7 होता है, 6 नहीं। 14 में कुछ भी जोड़ लो 7 नहीं आएगा क्योंकि 14 7 से बहुत बड़ा है। 3 में 4 जोड़ने पर 7 होता है, 4 है नहीं। 5 में 2 जोड़ने पर 7 होता है, नहीं। ठीक है, जबकि मुझे केवल दो लेटर्स नहीं देखने हैं, मेरे को दो से ज़्यादा लेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। 3 या 4 लेटर का टोटल भी 7 हो सकता था, कोई बात नहीं है, 13 ढूंढते हैं। देखो 4 में क्या जोड़ूँ कि 13 हो जाए, तो साहब मैं 4 में जोड़ सकता हूँ 9। 9 मुझे दिख नहीं रहा है, पॉसिबल है लेकिन, क्योंकि दो चीज़ और मिलकर 9 हो सकती है, ठीक है। तक 5 में क्या जोड़ूँ कि 13 हो जाए, तो 8। अब अगर मैं देखूँ तो 8, 5 और 3 मिलकर 8 होते हैं, ठीक बात है। ये वाले 5 और 3 भी मिलकर 8 हो सकते हैं, तो यहाँ से मेरे को 13 मिल रहा है। अब मैं 13 क्यों ढूंढ रहा हूँ उस बात पर फोकस करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ईजी अप्रोच मुझे मिल रही है कि 4 में 9 जोड़ूँ तो 13 हो सकते हैं, 9 कहीं से भी जोड़ के नहीं आ रहे। 5 में 4 जोड़ने पर 9 आते हैं, पर 4 ऑलरेडी मैं काम ले चुका हूँ। 6 में 3 जोड़ने पर आते हैं, यस। तो अगर मैं 4, 6 और 3 को जोड़ूँ तो 13 होता है, ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस, 4 में 5 जोड़ दिया 9 हो गया और 4 है नहीं। 4 में 3 जोड़ दिया 7 हो गया, 7 है नहीं। 4 में 5 जोड़ दिया 9 और 4 है नहीं। 5 में 6 जोड़ा 3, अच्छा हो गया, तो 5 में 6 जोड़ा 3, 5 में 6 जोड़ा 2 नहीं है, 5 में 5 जोड़ा 3 हमारे पास है, ऐसे भी हो सकता है 13। और अब आप देखें इस वाले में मैं ले रहा हूँ डी को, एफ को और सी को, और मैं छोड़ किस किस को रहा हूँ, ई को, डी ले रहा हूँ, एफ ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ किसको, सी को, ई को, एन को और ई को। तो इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं हो रही क्योंकि इसमें भी मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट ले लिए, इसमें भी मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट ले लिए, ठीक है। अब देखें अगर मान लो मैं यहाँ पर ई को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ई को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं सी को छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी नहीं आनी, मैंने वॉवल भी ले लिए और कॉन्सोनेंट भी ले लिया, और जो बचे उसमें भी वॉवल और कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक खास बात है ये सब ऑल्टरनेट आ रहे हैं, यानी इवन पोजिशन पे आ रहे हैं। अगर मैं डिफेंस को ऐसे लिखता हूँ डी ई एफ ई एन सी ई, तो जो ऑड पोजिशन पे आ रहे हैं उन सबको अलग जोड़ लूंगा, जो इवन पोजिशन पर आ रहे हैं उन सबको अलग जोड़ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5,
और ये 3, 5 5 3 का टोटल होता है 13। अब देखिए इवन पोजीशन वाले 4 6 14 एंड 5, ये 10 हो गया, 10 24 29। अब आप देखें इन दोनों का डिफरेंस 16 आना जो मुझे रिक्वायर्ड था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंस का जो कोड निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है कि जो जो भी इवन पोजीशन पे आ रहे हैं उन सबका टोटल कर दो, जो जो भी ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं उन सबका टोटल कर दो और इन दोनों के टोटल का डिफरेंस आप निकाल दो तो वो आपके लेटर का कोड बन जाएगा। ठीक बात है। अब जो मैं कोड डिफेंस के लिए तोड़ चुका हूँ वो कोड मैं ऑफेंस के लिए क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ, कोई ना कोई फर्क होगा। तो आप देखें मुझे दो एग्जांपल दिए ही क्यों गए, इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग स्कीम दी जा रही कोडिंग के लिए। एक स्कीम मैं तोड़ चुका हूँ, शायद ऐसा हो सकता है जो जनरली एग्जाम में होता है कि डिफेंस जो है डी से शुरू हो रहा है और डी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके लिए अलग नियम होगा। ओ जो है वॉवेल से शुरू हो रहा है और वॉवेल के लिए इसने अलग नियम लगाया होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इसको आगे चल के शॉर्ट में लिख भी देता हूँ मेरे पास में कि अगर मेरे पास कोई भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसमें इवन प्लेसेस का टोटल और ऑड प्लेसेस के टोटल का डिफरेंस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक बात है, ये मेरा कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला टूट चुका जो कि मैंने डिफेंस से शुरू किया था। अब अगर मैं ऑफेंस के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऑफेंस वर्ड तो लिख ही देता हूँ, कोड मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है, मैं कोड वापस तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जो पहला अटैम्प्ट हमने किया था मैं आपको वापस एलोबरेट कर दूँ कि एक बार सबका टोटल लगा लो 54 आ गया, कोड दिया है 40, दोनों का डिफरेंस निकालो 14, 14 का आधा करो 7 और चेक करो कहीं से भी 7 आ सकता है। सिमिलरली सबका टोटल लगा दो 42, कोड दे रखा है 16, दोनों का डिफरेंस निकालो 26, उसका आधा कर दो 13, 13 जब मैंने लाने की कोशिश करी तो दो तरह से 13 आया, 4 6 और 3 मिला करके, लेकिन 4 6 3 में कोई रिलेशनशिप मैं एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, ना तो वोवेल और कॉन्सोनेंट की ना ऑड इवन पोजिशन की। फिर मैंने एक तरीका और देखा 5 5 और 3 मिला के 13 लेके आने का, इसमें ऑड इवन की पोजीशन वाला कटिंग बैठ गया, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला नहीं बैठा, तो मैंने कोडिंग तोड़ ली। अब अगर मैं ऑफेंस की बात करता हूँ तो मेरा ये पहला तरीका फेल हो गया है, अब मुझे क्या करना है, इसका आधा नहीं करना है, थर्ड स्टेप पे मुझे आना है और थर्ड स्टेप पे मैं 14 को ही पकड़ लूँगा। मैं ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ लेटर्स ऐसे हों, कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे हों जिनका टोटल 14 आ जाए, लेकिन वो सिंगल नहीं होना चाहिए, जनरली सिंगल नहीं होता, दो तीन चार मिल करके होते हैं। तो मान लो अगर मैं देखूँ तो वही 6 5 और 3, अब देखें 6 5 और 3 मिलके 14 होते हैं, 6 5 और 3 मिलके 14 होते हैं। इसका मतलब मैं इवन पोजीशन वालों को अगर काउंट ही ना करूं और मैं केवल ऑड पोजीशन वालों को काउंट करूं, 15 15 और 6 21, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 5 40, ये इसका संभवतः कोड हो सकता है। आप संभवतः क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप SSC का एग्जाम देते हो तो SSC की एक बहुत अच्छी आदत होती है, SSC किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देता है सेम, पहले में आपने दिमाग लगाया दूसरे से आप वेरीफाई कर लेते हो, अच्छा भाई ये बात बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता, बैंक ने आपको छोड़ दिया, अब आपकी जो आपकी समझ में आए वो आप करो, जो समझ में नहीं आए वो मत करो। ठीक है, तो बैंक का हिसाब किताब भैया कुछ ऐसा रहता है। तो अब मैं इसकी कोडिंग यहाँ लिख लेता हूँ कि ऑफेंस में क्या हो रहा है, अगर कोई भी वर्ड किसी वॉवल से शुरू हो रहा है तो क्या करा हमने, उसके केवल ऑड पोजिशंस को जोड़ लिया, सम ऑफ ऑड पोजिशंस, ये हमारा आंसर आ गया। जबकि अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हमें ऑड को भी जोड़ना है, इवन को भी जोड़ना है और दोनों का टोटल निकाल लेना है। ठीक, टोटल निकालने के बाद में भी इसने एक कोडिंग और कर रखी, वो कोडिंग क्या है थोड़ी देर बाद अभी हम समझेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आया मेरे पास वॉवल, वॉवल से कंफ्यूज मत होना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया है, वॉवल इस वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, वॉवल इस वाली कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसका पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो मैं करूँगा वॉवल को 22, ओ ऑड पोजिशन पे, सॉरी ये ऑड पोजिशन पर आता 15, डब्ल्यू यानी 23, ई यानी 5 एंड एल यानी 12, इनको जोड़ें तो 20 आया, इनको जोड़ें तो 7 और 5 57 आया, दोनों का डिफरेंस आया 37। तो ये मेरा कोड हो गया वॉवेल के लिए 37। अब 37 का क्या करना है थोड़ी देर बाद वापस आगे समझेंगे। ऐसी ऑक्सीजन वॉवेल से शुरू होता है इसको छोड़ देते हैं, बायोलॉजी बायोलॉजी से है वॉवेल को कॉन्सोनेंट से, तो देखिए बी का कोड 2, आई का कोड 9, 15 12 15 7 और ये 25। इवन ऑड इनकी लेटर पोजिशन है ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पोजिशन है, इस वर्ड में जिस पोजिशन पर आ रहे हैं ऑल्टरनेट सबका टोटल कर लेना है। ठीक है, तो देखें
बारह सत्रह हासिल का एक 57 ये हो गया, 21 28 क्या ठीक कर रहा हूँ मैं, 21 यस 28 40 55 57 बिल्कुल इनका डिफरेंस आ गया 29। हम क्या देखेंगे, ये 29 हमने यहाँ लिख दिया इसके लिए कोड। आगे बढ़ते और ढूंढते, अवार्ड जो है वोवल से शुरू हो रहा है पर चैरिटी जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो 3 8 1 18 9 20 और ये 25 ठीक है, 3 8 1 18 9 8 20 और 25। इन सबकी टेक्निक मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा रखी है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 10 35 38 38 26 56 और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 18। क्या सही कर रहे हैं, कुछ जल्दी है, हाँ 25 34 35 38 38 आठ ही डिफरेंस आएगा, ये 46 होगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 8। ये मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया 8 ठीक है। अब जो बचे हुए कोड हैं जो हम नहीं कर पाए थे, यानी जो वॉबल से शुरू हो रहे थे, एक बार वॉबल वाला हम वापस देख लेते हैं। स्कीम क्या थी, जो जो ऑड पोजीशन पाएंगे उन सब का मुझे टोटल लगा देना। तो ऑक्सीजन ओ वाई ई 15 25 और 5 सबको जोड़ो तो 45 ठीक है, तो ऑक्सीजन का कोड हो गया 45। अवार्ड ए ए डी 114 114 जोड़ें तो हो जाएगा 6, इसका कोड हो गया है 6। अब देखिए यहाँ उसने क्या बोला कि जैसे ऑफेंस का कोड 40 आया तो इसने ये कोड यहाँ दे रखे हैं और इन नंबर कोड को फिर इसने एक अल्फाबेट कोड दे रखा है। तो 40 अगर आता है तो आपका आंसर वाई होगा, और 16 अगर आता है तो इसने 16 का कोई यहाँ पर कोड नहीं दिया, क्योंकि 16 इसने अपने को एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए इसने आपसे वॉवल पूछा है, तो वॉवल का हम टोटल निकाल चुके 37, देखिए वॉवल निकाला था हमने 37, तो 37 मुझे यहाँ पर ढूंढना है, ढूंढे 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 ये रहा 37। तो 37 का कोड क्या है, 37 का कोड है वाई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया, मेरा आंसर हो जाएगा वाई। तो वाई कौन सा ऑप्शन है, वाई है ऑप्शन नंबर 5, ये मेरा आंसर हो गया ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसने कोड दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 45 आ गया, 45 के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ ढूंढूँ 45 45 45, ये रहा 45 45 के लिए कोड है पी, तो सेकंड क्वेश्चन में मेरा आंसर हो जाएगा पी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अपने आप मार्क कर सकते हैं, पर चलिए 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, टाइम क्या होगा, 12 13 मिनट लगे ठीक है, करा देते हैं आपको। बायोलॉजी के लिए कोड 29 है, 29 6 और 8, 29 6 एंड 8, 29 6 एंड 8, मैं यहाँ आ जाता हूँ, 29 6 एंड 8, इन सब के कोड मुझे ढूंढने हैं। देखिए 29 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 29 29 का कोड है ए, ये ए हो जाएगा, 6 6 6 6 6 ये दिख रहा, 6 के लिए कोड हो जाएगा पी, और 8 के लिए कोड हो जाएगा अगेन ए, तो मेरा आंसर हो गया ए पी ए, ए पी ए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए, चौथे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए पी, और पांचवे क्वेश्चन का आंसर वापस होना चाहिए ए। ये लीजिएगा, पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अगर 13 मिनट में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ तो एग्जाम में आप आराम से मतलब प्रैक्टिस करके उठा करके 3 से 4 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन निकाल सकते हो, और बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको टेक्निक बता दी है, सबसे पहले टोटल लगा ले सारे के सारे लेटर्स, गिवन लेटर्स का, और उनका डिफरेंस देखें, डिफरेंस का आधा भी देखें और केवल डिफरेंस भी देखें, आपका आराम से तरीका बैठ जाएगा। दो ही तरह से ये क्लासीफाई करता है, वॉवल से शुरू होने पर और कॉन्सोनेंट से शुरू होने पर। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे। मैं सुमित गोयल 20 से भी अधिक बार सरकारी नौकरी में चयनित हूँ, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।